हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्यूटी की स्टूडियो। आज मैं आप सभी के लिए एक कॉटन साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले हम साड़ी के फर्स्ट कॉर्नर को पकड़ेंगे और राइट साइड से टक करना स्टार्ट करेंगे। हमने जो अंदर पेटीकोट पहना है उसे हम साड़ी से अच्छे से कवर करेंगे। तो साड़ी को पकड़कर हम एक राउंड लेंगे और साड़ी को पेटीकोट में टक करेंगे। उसके बाद हम नीचे की प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे। कॉटन साड़ी काफ़ी ज़्यादा फूली हुई होती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाती है, तो सबसे पहले हम इसमें प्लीट बना लेंगे। सारी प्लीट हम इक्वल साइज़ की रखेंगे। जब हमारी सारी प्लीट कंप्लीट हो जाएंगी तो हम प्लीट को मैनेज करते हुए अपने पेटीकोट में टक कर लेंगे। जब भी हम कॉटन साड़ी पहनते हैं तो इस तरीके से हम लोग पहन लेते हैं, और आप हमारी प्लीट को देख सकते हैं कि प्लीट हमारी किस तरीके से इधर उधर जा रही हैं। ये देखिए सारी प्लीट हमारी फैली हुई हैं। इन्हें चाहे जितना भी हम सेफ्टी पिन का यूज़ करें, इनको साथ में करने की कोशिश करें, बट ये एक साथ नहीं होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारी प्लीट को हम एक साथ पकड़ेंगे और इसमें पहले हम एक सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे जिससे हमारी प्लीट ख़राब ना हो, हमें बार बार बनानी ना पड़े। तो इसमें सेफ्टी पिन का यूज़ करके सारी प्लीट को हम एक साथ पकड़ेंगे और सेफ्टी पिन लगाकर सारी प्लीट को सिक्योर करेंगे।
प्लीट सिक्योर करने के बाद में हम थोड़ा सा नीचे साड़ी की प्लीट को पकड़ेंगे और अरेंज करेंगे प्लीट्स को एक साथ परफेक्ट तरीके से पकड़कर सेफ्टी पिन लगा लेंगे और नीचे साइड में थोड़ा सा कपड़े को पकड़कर ट्विस्ट करेंगे। इससे ये होता है ना कि जो हमारा कपड़ा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और जैसे हम प्लीट जाते हैं वैसे बन जाएंगे। या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनमें हम आयरन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। सारी प्लीट बन जाने के बाद में सेफ्टी पिन लगाकर जैसे हमने सिक्योर कर दिया है, सिक्योर करने के बाद आप इस अपने साड़ी को ओपन कीजिए और इसमें प्लीट्स में प्रेस कर दीजिए। इससे हमारी जो प्लीट है बिल्कुल परफेक्ट बनी रहेंगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, सारी प्लीट एकदम चिपकी हुई और एक साइज़ की होंगी। तो ऐसा आप कर सकते हैं, इससे हमारी प्लीट बहुत अच्छी बनती है और साड़ी का लुक भी अच्छा आता है, पता ही नहीं चलता कि ये कॉटन की साड़ी है। तो मैंने इसमें प्रेस किया हुआ है लास्ट टाइम पर, प्रेस करने के बाद आप मेरी प्लीट्स को देख सकते हैं कि जैसी मैं चाहती हूँ वैसी मेरी प्लीट्स बनी हुई हैं। अब ये इधर उधर नहीं फैल रही हैं। तो इस तरीके से हम कॉटन साड़ी को पहन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसानी से पहन सकते हैं, इससे फूला हुआ लुक नहीं आता है और हमारी कॉटन साड़ी परफेक्ट तरीके से बन भी जाती है और स्लिम लुक भी आता है इससे। अब हम अपने पल्लू को शोल्डर पर रखेंगे और सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे। पहले हम इसे ठीक से सेट करेंगे, हमें नेक से चिपकाकर पल्लू को नहीं डालना है, पल्लू को थोड़ा सा तिरछा शेप देते हुए बिल्कुल तो शोल्डर पर ब्लाउज की जो ब्लाउज का जो ये स्टिक होता है उसमें हम सेफ्टी पिन लगाकर इसे सिक्योर करेंगे। नेक से बिल्कुल भी हमें पल्लू को नहीं चिपकाना है, थोड़ा सा नेक से हमारा पल्लू दूर रहेगा। इससे प्रॉपर बॉर्डर का लुक भी दिखाई देता है और साड़ी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है। तो ये देखिए गाइस, हमारी ये कॉटन साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से ये कॉटन साड़ी हम पहन सकते हैं, फूला हुआ लुक बिल्कुल भी नहीं आता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज़।